प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर संतों में खुशी की लहर। रामनगरी में होगा पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य व ऐतिहासिक स्वागत। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की खबर को लेकर अयोध्या के संत महंत मुदित हैं। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने कहा कि ये खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। उन्होंने कहा कि दो संतों के सानिध्य में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। महंत रामदास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संत ही मानते हैं। महंत रामदास ने कहा कि उनके ही प्रधानमंत्री काल में राम मंदिर का पर फैसला आया था और अब वे राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को रखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतों महंतों व देशवासियों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर का भूमि पूजन करें। भूमि पूजन वैदिक मंत्रों के बीच किया जाएगा। यही नहीं, इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को पूरी दुनिया देखेगी। वह लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे जिनके सामने राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। उम्मीद जताते हुए महंत रामदास ने कहा कि 2-3 सालों में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। सर्वसम्मत से ट्रस्टी और समिति की जो मंदिर निर्माण समिति है उसके अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र जी, जो भारत सरकार के IAS अधिकारी हैं। तो सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया और विस्तार से मंदिर बनेगा। मॉडल वही रहेगा जैसा कि उसके ट्रस्ट के महासचिव चंपत जी ने कहा और हम लोगों को समाचार पत्रों से, चैनलों के माध्यम से भी प्राप्त हुआ। तो बड़ी खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आधारशिला रखेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। दो संतों के सानिध्य में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री जी भी संत ही हैं, क्योंकि हमेशा धार्मिक यात्राओं में और देश को सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए बहुत ही साहसी कदम उन्होंने उठाया है और उनके ही प्रधानमंत्रित्व काल में जजमेंट आया है जो है 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार को। तो ऐसी स्थिति में सभी देशवासियों की, अयोध्यावासियों की, संतों की इच्छा थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आवें और जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है उसी जगह पर, उस स्थान पर वो पहली जो हमारी स्वर्ण की ईंट रखी जाएगी उसको अपने कर कमलों रखें। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति भाषण होगा और पूरी दुनिया देखेगी उस समारोह को। और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के सामने मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और 2-2.5 सालों में